नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके टॉप 50 सीरीज में। आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी में आपके समाज से संबंधित सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। कौन से ऐसे जो है आपके क्वेश्चंस हैं, कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो बहुधा आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन सभी पर एक सरसरी नजर डालेंगे और सारे प्रश्नों को अपने कंठस्थ कर लेना है, दिमाग में बिठा लेना है। तो शुरू करते हैं आपकी अपनी जो है अपनी एक शुरुआत, जिसमें हम बात करते हैं आपके समास से। बहुव्रीहि समास इनमें से कौन सा है, पहला प्रश्न पूछा है इनमें से बहुव्रीहि समास कौन सा हो। बहुव्रीहि की जब इसमें बात करते हैं तो लंबोदर गणेश का पर्याय होता है, इसीलिए इसको बहुव्रीहि समास के तहत जाना जाता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व यानी दोनों में क्या हो, अपोजिट मिले। ठीक है, अन्य दिन रात, यहां योजक चिन्ह मिल रहा है, योजक चिन्ह इसकी पहचान होती है, और इसका जब विग्रह करोगे तो और शब्द आ जाता, दिन और रात विलोम शब्द होंगे, तो ये क्या होगा, द्वंद्व होगा। तीसरा कह रहा परमानंद में कौन सा समास है, परमानंद परम है जो आनंद, इसमें जब हम बात करेंगे तो कर्मधारय समास की बात हो रही है, परम है जो आनंद, परमानंद यानी कर्मधारय समास बनेगा। अगला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से चार प्रश्न दिए हैं तो यथार्थ का आपको क्या करना है, सामासिक युग्मपद बताना है कि ये किसका सामासिक। जब आप करोगे यथार्थ यानी अर्थ के अनुसार, इसका क्या बनेगा, अर्थ के अनुसार सबसे सही जवाब बनेगा, यानी बी जवाब सही होगा। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि मृगनयन में कौन सा समास है, मृगनयन यानी जब हम इसमें सही विकल्प की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा मृगनयन में कर्मधारय समास बनेगा, कौन सा, कर्मधारय समास बनेगा। अगला प्रश्न आपसे छह नंबर कह रहा है विद्यार्थी में कौन सा समास है, विद्यार्थी की जब हम बात करते हैं इसमें तत्पुरुष समास होता है, इसमें कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, यह ध्यान रखिए। विद्या का अर्थ ही तो कार है तो तत्पुरुष है। अगला कह रहे चौराहा में कौन सा समास है, चार राहों का समाहार दिगु समास होता है, तो दी का चयन जो लोग करेंगे ठीक है वो सारे लोग सही होंगे। अगला क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है दशानन, दशानन में आपसे कह रहा है कि सामासिक विग्रह क्या होगा, तो आठ में ध्यान रखिएगा बहुत अच्छी तरीके से। दशानन में सामासिक विग्रह की जब हम बात करेंगे तो दस है मुख जिसके अर्थात रावण को बोला जाता है दशानन, ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। अगला क्या कह रहा है नौ नंबर की जब हम बात करते हैं तो नौ में आप जब देखेंगे कह रहा है समास जो है साहित्य समाज का सामासिक विग्रह क्या होगा, तो साहित्य और समाज, यहाँ योजक चिन्ह लगा है, योजक हटेगा तो और आएगा। अगला प्रश्न दस क्या कह रहा है लालमणि में कौन सा समास, लालमणि की बात करें तो इसमें समास क्या मिलेगा, कर्मधारय, लाल है जो मणि, इसका क्या बनेगा, लाल है जो मणि यानी कर्मधारय बनेगा। अगला क्या कह रहा है पुरुषोत्तम में, पुरुषों में जो उत्तम है, तो इसमें जब आप देखेंगे कि तत्पुरुष का कौन सा भेद बनेगा, तो तत्पुरुष का इसमें पुरुषों में उत्तम तो अधिकरण में आ जाएगा। अगला क्या कह रहे हैं शिवार्पण, शिव के लिए अर्पण, तो भाई संप्रदान होगा, यहां पर क्या होगा, शिव के लिए आ रहा ना तो संप्रदान बनेगा। अगला कह रहा है कि गृहागत, गृह को आगत, ठीक है गृहागत का क्या होगा, गृह को आगत यानी को आ रहा तो तत्पुरुष समास आएगा। अगला क्या कह रहा है निम्न में अधिकरण तत्पुरुष में पर वाला, तो देश सेवा, देश के लिए सेवा, पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम, पद दलित हो गया, पद से दलित, ठीक है सभा भवन है, तो इसमें अगर मैं सही विकल्प की बात करूं तो सबसे सही विकल्प इसमें क्या बनेगा, इसमें बी बनेगा। अगला क्या कह रहा है शीतोष्ण का समास बताइए, शीतोष्ण तो शीत धन उष्ण दो चीजें इसके अंतर्गत आती, शीत और उष्ण की बात की गई है तो इसमें द्वंद्व समास होगा। ठीक है शीत और उष्ण विरोधी है ना, एक दूसरे के अपोजिट है। अगला क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कोई एक शब्द तत्पुरुष समास से नहीं जुड़ा है, कामचोर, यथा सम्मान, गुरु भाई या बैलगाड़ी, इसमें जब आप देखेंगे कौन सा नहीं जुड़ा है तो यथास्थान, यथा अव्यय भाव समास को प्रदर्शित करता है। अगला क्या कह रहा है अव्यय भाव समास के लिए विकल्प सद्भावना, दानवीर, पद्दलित, उपकुल, कुल के समीप, यहां पर जब आप देखेंगे कि कौन सा विकल्प आपका सही होगा तो उपकुल, ठीक है उप आपका उपसर्ग से बना है, अव्यय से बना हुआ है। अगला क्या कह रहा है घुड़सवार में कौन सा समास है, घुड़सवार घोड़े पर सवार की बात हो रही तो इसमें आपका अधिकरण में पर आएगा ना, अधिकरण। सादर के समास का उदाहरण सादर मतलब आदर सहित, तो यहां पर जब आप देखेंगे तो इसमें अव्यय भाव आएगा, कौन सा अव्यय भाव होगा। अगला क्या कह रहा है कौन सा वाक्यांश जो है किस समास का उदाहरण बन रहा, तीन रंगों का समूह तिरंगा, तिरंगा को किस समास के अंतर्गत लेंगे तो ध्यान रखिएगा यह द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। ठीक है अगला क्या कह रहा है गोपुत्र शब्द में कौन सा समास, गोपुत्र की जब हम बात करेंगे तो इसमें समास क्या बनेगा तत्पुरुष। ठीक है अगला क्या कह रहा है बहुमूल्य शब्द में कौन सा समास है, 22 में जब हम बात करेंगे तो इसमें समास क्या बनेगा कर्मधारय बनेगा। 23 नंबर क्या कह रहा है कि बहुव्रीहि सामासिक शब्द की पहचान कीजिए, इसमें से बहुव्रीहि कौन सा है, तो बहुव्रीहि जब आप इसमें देखोगे तो बहुव्रीहि आपका त्रिलोचन भगवान महादेव है। अगला क्या कह रहा है मिठबोला में कौन सा समास है, मिठबोला मतलब मीठा बोलने वाला, इसमें जब आप समास देखेंगे तो भाई बहुव्रीहि कोई व्यक्ति विशेष हो गया ना, मीठा बोलने वाला व्यक्ति विशेष हो गया तो बहुव्रीहि जाएगा। अगला क्या कह रहा है माता पिता का आशीर्वाद लेते हुए जीवन पथ पर बढ़ते चले, तो इसमें माता पिता में पूछा है कौन सा समास है, तो माता पिता में जब आप देखेंगे तो द्वंद्व समास बनेगा।
अगला आपसे क्या कह रहे हैं, 26 नंबर नाक कान, तो नाक और कान होगा जाहिर सी बात है इसमें द्वंद समास बनेगा, योजक चिन्ह दिया है। अगला कह रहा है हस्तलिखित, यानी हाथ पर लिखित, हाथ से लिखित, तो हाथ से लिखित हस्तलिखित होता है, तो बी जवाब सही जवाब बने। 28 क्या कह रहा है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप रूप, यानी डी जवाब इसमें से सही होगा। अगला क्या कह रहा है, जलधि में कौन सा जो है समास बनेगा, जलधि की जब हम बात करेंगे तो भाई इसमें अव्ययीभाव समास होगा। अगला कह रहा है थोड़ा बहुत में कौन सा समास बनेगा, थोड़ा बहुत की जब हम बात करेंगे तो इसमें समास क्या जाएगा, थोड़ा बहुत, द्वंद में भी तीनों दे दिया और यह वैकल्पिक द्वंद का उदाहरण है। अगला क्या कह रहा है, 31 नराधम, ठीक है, नराधम में आपको विक्षेप करना है तो इसमें क्या विक्षेप जाएगा, इसमें विक्षेप जाएगा नरों में अधम, नराधम। 32 नंबर क्या कह रहा है, गुरु दक्षिणा, ठीक है, शब्द में कौन सा समास है, गुरु दक्षिणा यानी गुरु के लिए दक्षिणा, तो 32 में आपका क्या बनेगा, तत्पुरुष बन जाएगा। अगला क्या कह रहा है, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, तो गगनचुंबी में आपको समास बताना है, गगनचुंबी गगन को चुमने वाली, 33 में क्या होगा, तत्पुरुष समास बनेगा। अगला कह रहा है सूची एक का सूची दे उसे, इधर दिए हैं समास इधर शब्द दिए, यथा भाई दिया है, अव्यय है तो इसका अव्यय भाव, ठीक है, लव कुश, लव और कुश द्वंद समास, ठीक है, चक्रपाणि बहुब्री, तो शिवालय एक बचा, शिवालय क्या हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा, यानी पहले का तीसरा दूसरे का पहला, पहले का तीसरा दूसरे का पहला, ये डी वाला जवाब सही जवाब बन जाएगा। अगला क्या कह रहा है, गंगाधर में कौन सा समास है, गंगाधर की जब बात करोगे बहुब्री हो जाएगा, ठीक है, गंगा को धारण करने वाले भगवान महादेव। 36 क्या कह रहा है, 36 नंबर कह रहा है कि किस शब्द में द्वंद समास नहीं, सुभागम, कंदमूल, दाल रोटी, जीवन मरण, इसमें जब आप देखेंगे तो भाई सुभागमन, ठीक है, शुभ आगमन, इसमें द्वंद समास नहीं होगा। अगला क्या कह रहा है, भर, कौन सा अव्यय भाव समास नहीं है, भरपेट, सज्जन, अनुसार, प्रतिदिन, इन तीनों में आप देखिए, ठीक है, मिल्ला, लेकिन सज्जन में कोई आपका इस बात से अव्यय नहीं मौजूद है। आगे हम बात करते हैं किसकी, 38 नंबर की, 38 कह रहा है सेनापति में कौन सा समास है, सेनापति की जब हम बात करें भाई सेना का पति है, ठीक है, जो है क्या बनेगा, तत्पुरुष बनेगा। अगला कह रहा है नाक कान में कौन सा समास है, नाक और कान द्वंद की बात की जा रही है। फिर बात कर रहा है 40 नंबर घोड़ दौड़ में, तो घोड़े की दौड़ की घोड़ जो है घोड़े जैसा दौड़ना वाला, जब हम 40 में बात करेंगे तो 40 में ध्यान रखिएगा घोड़ा और दौड़, घोड़ दौड़, ठीक है। अगला क्या कह रहा है रचनाकार में कौन सा समास है, तो 41 में ध्यान देंगे रचनाकार की जब हम बात करेंगे तो रचनाकार में समास कौन सा बनेगा, इसमें समास आपका ए जाएगा, ठीक है, 40 में घुड़दौड़ घोड़े की दौड़ होगा, 40 में जब हम बात करेंगे घुड़दौड़ की तो घुड़दौड़ घोड़े की दौड़ बनेगी, 20 सबसे सही जवाब बनेगा घोड़ा और दौड़ने, ठीक है। 41 की जो है तत्पुरुष समास बनेगा, रचनाकार हो गया। उसके बाद जब हम बात करते हैं 42 की, निर्धन में, भाई निर्धन मतलब अलग हो गया व्यक्ति, बहुब्री समास का ये उदाहरण है। अगला प्रश्न 43 क्या कह रहा है, चरण कमल बंदो हरि राई, 43 की जब हम बात करते हैं तो कर्मधारय है, ठीक है, जिनके चरण कमल की भांति। अगला क्या कह रहा है, त्रिलोचन में कौन सा समास है, 44 की जब हम बात करेंगे तो इसमें त्रिलोचन, यहां पर बहुब्री जो है दिया है, लेकिन बहुब्री के साथ साथ इसमें जब हम बात करेंगे, ठीक है, त्रिलोचन वैसे तो भगवान महादेव का है, तो भगवान महादेव से लेंगे तो ये बहुब्री का उदाहरण जाएगा, भगवान महादेव से अगर इसको ले तो बहुब्री का उदाहरण ये बनेगा, ठीक है, और वैसे तीन नेत्र वाला हो जाता है त्रिलोचन, ठीक, तीन नेत्र हैं जिसके, इस भांति से बन जाता है। चतुर्भुज कह रहा है 45 नंबर, 45 की जब हम बात करें तो भाई चतुर्भुज चार भुजाओं वाले भगवान कौन है, जब हम बात करते हैं किसकी, विष्णु की। अगला क्या कह रहा है, समस्त पद का साथ सही तरीके से मिलान कराना है, दिया है वागदत्ता, धर्माधर्म, सप्ताह, कमल नयन, वागदत्ता, इसमें जब आप देखेंगे कि सही विकल्प क्या बनेगा, ठीक है, धर्माधर्म यानी धर्म और अधर्म, द्वंद समास यानी दूसरे का भी बनेगा, ठीक है, अच्छा 1 2 3 4 दूसरे का भी बनेगा, मतलब पहले और दूसरे में ही छाटना है। दूसरी चीज इसमें जब हम बात करेंगे, ठीक है, सी वागदत्ता, सी यानी बी विकल्प इसमें से सही जवाब बन जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। 47 क्या कह रहा है, बहुब्री समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है, तो बहुब्री समास के उदाहरण में जब हम जाएंगे तो भाई चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला भगवान विष्णु है। अगला क्या कह रहा है, निधड़क में कौन सा समास है, निधड़क की जब हम बात करेंगे तो इसमें समास भाई अव्यय भाव, नी आ रहा, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, 49 नंबर की जब हम बात करेंगे तो 49 में दिया है कि बहुब्री समास का कौन सा उदाहरण है, इसमें से जब आप बहुब्री समास देखेंगे तो इसमें जब हम बात करते हैं जैसे गजानन, भगवान गणेश को कहते नहीं गजानन। अगला क्या दिया है, जेब कतरा में समास बताना है, जेब कतरा में समास आपका कौन सा होता है, कर्म तत्पुरुष होता है। तो ये आज आपके 50 क्वेश्चंस रहे, ऐसे ही आगे आपको मिलते रहेंगे, फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अच्छे अच्छे कमेंट कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।